हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चीज़ ब्रेड पकौड़ा। बहुत ही अलग तरीके से बनाया है हमने। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह से देखिए हमने चीज़ पकौड़ा बनाया है, बहुत ही टेस्टी। बरसात का मौसम है, किसी मौसम में भी आप ये पकौड़े बना के खा सकते हैं। एकदम अलग टेस्ट का बनाया है, बहुत ही चीजी बना है। इसके लिए हमने ये 4-5 इसमें हमने ब्रेड ले लिए हैं, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक ये हमने घिस लिया है। और प्याज को लंबे लंबे पीसेस में काटेंगे। ये हमने बाउल में बेसन ले लिया है और प्याज को पहले इसे लंबे लंबे में काटना है और उसे हाथों से इस तरह से मैश कर लेना है ताकि जो उसके एक एक करके पंखुड़ियाँ अलग हो जाएं। हमने मैश कर लिया है। अब इसी बाउल में बेसन लिया है, इसी में हम प्याज को डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और ये हमने अदरक डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। दोनों को हमने घिस के डाला है। ये हमने कुछ करी के पत्ते काट के डाल दिए हैं और इसे हम जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। इसमें हमने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और ये इनमें अजवाइन डाल दिया है, पाचक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अजवाइन। और इसे पहले हम इस तरह से मैश कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें हम डालेंगे और इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। इसे हमने मैश कर लिया है और थोड़ा सा इसे हम कुछ और भी डालेंगे पकौड़े को कुरकुरा बनाने के लिए। इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, ये हमने डाल दिया इसमें चावल का आटा। चावल के आटे डालने से पकौड़े कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा डाला है। चावल का आटे में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और इसे हमने साइड में रख दिया रेस्ट करने के लिए, जब तक हम ब्रेड को साइड से जिसके कॉर्नर होते हैं उसे हम निकाल देंगे। इसे हमने साइड से कॉर्नर को निकाल दिया है, चारों साइड से निकालेंगे और इसे हम बेलन की सहायता से इस तरह से हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि ये पतला हो जाए, अच्छे से ये पतला हो जाए। और देखिए हमने इसे बेल लिया है और इस तरह से हमें 4-5 ब्रेड को बेल लिया है। और ये रहा अमूल का चीज। अब हम चीज को निकाल लेंगे और इसे हम बीच से कट लगाएंगे। हमने इसे बीच से कट लगा लिया है और इसे हम पतले में लंबे लंबे में करके रखेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। ब्रेड के अंदर चीज़ को डाल दिया है, रोल कर लिया है और जो ये प्याज की कोटिंग थी, ये सारी प्याज की कोटिंग हम इस ब्रेड पे लगा देंगे। इसकी अच्छे से कोटिंग कर देंगे कि जो प्याज है वो अच्छे तरीके से इसमें चिपक जाए, बेसन के साथ लिपट जाए। और ये देखिए हमने बेसन को अच्छे तरीके से प्याज में, ब्रेड को अच्छे तरीके से प्याज में लपेट लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। गैस चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी, गर्म हो गया। इस तरह से हमने प्याज ब्रेड के ऊपर से लगा दिया है, बेसन भी, और इसे हम एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। और ये हमने डाल दिया है, दूसरा भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम एक साइड से हो जाए तब हम इसे दूसरी साइड में पलट देंगे। देखिए हमने इसे दूसरी साइड में पलट दिया है।
अब इसे हमने दोनों साइड में ही पलट दिया है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा हाई फ्लेम करके बीच में, फिर मीडियम फ्लेम पे इसे हमें थोड़ा सा कुरकुरा बनाना है। और ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो गया है। अब इसे हम निकालेंगे, दोनों को पलटे पे रख के एक साइड से कढ़ाई के किनारे लगाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी इसे निकल जाए। और ये हमारा ब्रेड चीज़ पकौड़ा तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी। इसे आप एक या दो खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। और ये हरी चटनी या लाल चटनी के साथ इसे खाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा देखिए चीज़ी ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गया है। आप इसे किसी मौसम में, बरसात के मौसम में, कभी भी ठंड में बना के खा सकते हैं। और ये देखिए मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए चीज़ी ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएंगे और कमेंट में करके बताइएगा किस किसने बनाया, किस को अच्छा लगा, ये हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।